Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें सीखना है what is Windows, okay? मतलब Windows क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, तो Windows जो है, वह एक operating system है, जिसे कि आप other language में system software भी कह सकते हो. So, चलिए अब जानते हैं operating system क्या होता है, या फिर system software क्या होता है. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहले आप ऑपरेटिंग को समझिए कि ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है. ऑपरेटिंग का मतलब किसी चीज़ को चलाना. ठीक है, कुछ चीज़ को चलाना मतलब किसी चीज़ को कहते हैं ना, जैसे कि आप इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो या फिर आप इस कंप्यूटर को चला रहे हो, तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना. ओके, सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप कंप्यूटर समझ सकते हो. तो यहाँ पर कंप्यूटर चलाना मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करने का जो काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक हिंदी में और अच्छे समझाऊं, तो देखिए, जैसे कि आप अपना एक कंप्यूटर लेके आए. ठीक है, जैसे कि आप अपना एक कंप्यूटर लेके आते हो और उसमें अभी समझिए कि कुछ भी इंस्टॉल नहीं हो रखा है, तो क्या आप जब उसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे, तो क्या वह स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा, बस उसके अंदर ब्लैक लाइट्स आ जाएंगी और कुछ भी उसमें शो नहीं होगा. ओके, तो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए, उस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. ठीक है, जो कि विंडोज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ओके, ये विंडोज़ देख रहे हैं, ये रहा विंडोज़, इसी विंडोज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या फिर समझ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है ये एक विंडोज़. ओके, तो हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में विंडो को पहले इंस्टॉल करते हैं. जैसे कि समझ लीजिए जो ब्लैक वाला बॉक्स है, ये आपका खाली कंप्यूटर है, और जो ये वाला ब्लू वाला जो बॉक्स है, ये आपका विंडो है. जब आप अपने कंप्यूटर में इस विंडो को इंस्टॉल कर लेते हो, तो आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को चला पाते हो. ठीक है, लेकिन आप ही सोचिए, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ही नहीं रहेगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, तो आप अपने कंप्यूटर को चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि बिना विंडोज़ के या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कंप्यूटर में कोई भी ऑप्शन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा. और अगर कुछ ऑप्शंस आपको मिलते भी हैं देखने को, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे. लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आपको ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसे कि आप अच्छे से समझ पाते हो. ओके, फिर उसके बाद जब आपके कंप्यूटर में विंडोज़ या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाता है, तो जो वह ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, उन ऑप्शंस के माध्यम से आप उस कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो. अब जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर एक काम के लिए अलग अलग आते हैं. जैसे कि आपको अपने कंप्यूटर के अंदर वीडियो एडिटिंग करना है, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, या तो फिल्मोरा इंस्टॉल करेंगे, या तो अडोब प्रीमियर प्रो सीसी यूज़ करेंगे, जो भी वीडियो एडिटर्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि आप फोटो एडिटर यूज़ करने लग जाओगे वीडियो एडिट करने के लिए. तो उसी को कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हर एक काम के लिए अलग अलग आते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग के लिए इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, टेक्स्ट को अगर आप लिखना चाहते हो तो उसके लिए एमएस वर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, आपको पता होगा. अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम करना है तो टेली के नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, तो आप उसको अलग से इंस्टॉल करते हो. तो ये सब क्या है, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. ओके, सो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि विंडोज़ के वर्जन्स कितने हैं. ठीक है, कितने वर्जन हैं विंडोज़ के, तो यहाँ पे विंडो के 26 वर्जन हैं. ओके, 26 वर्जन है अभी तक जब से विंडो आया था. और विंडो का फर्स्ट वर्जन का अगर मैं नाम बताऊँ, तो वो था विंडोज़ 1.0. ओके, चलिए अभी हम जान लेते हैं लेटेस्ट वर्जन, जो अभी हमें समय में अभी कौन कौन से वर्जन विंडो के चल रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अभी तो जो लेटेस्ट वर्जन हमारा चल रहा है विंडो का, वो है विंडोज़ 10. ठीक है, और उससे पहले आया था एक विंडोज़ 8.1, एक आया था विंडोज़ 8, उससे पहले आया था विंडोज़ 7. और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग अभी विंडोज़ 7 ही
यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि विंडोज 7 जब आया था तो वो अपने समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और विंडोज 7 कब आया था आपका? 22 जुलाई 2009 में आया था। ओके, रह गई बात विंडोज़ विस्टा की, तो ये भी बहुत पुराना हो गया, अब इसे इतना कोई यूज़ नहीं करता है। ज़्यादातर जो विंडोज़ यूज़ होती है वो 10, 8.1, 8 या फिर 7 ही यूज़ होती है। फिलहाल देखा जाए तो विंडोज 7 का भी सपोर्ट अब बंद हो गया है। 2020 के अंदर फरवरी महीने में विंडोज 7 का जो सपोर्ट था वो बंद कर दिया गया था, और बोला गया था कि आप सभी विंडोज 10 को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी विंडोज 10 का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। ओके, अगर आपके पीसी के अंदर या कंप्यूटर या लैपटॉप में 4 GB रैम है और प्रोसेसर डुअल कोर का प्रोसेसर है, तो आप सिंपली विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं और सही से चला सकते हैं, क्योंकि विंडोज 7 के अंदर ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो कि विंडोज 10 के अंदर है। क्योंकि विंडोज 10 के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर रन हो जाते हैं जो कि विंडोज 7 में रन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सो अभी आप क्या करिए, अभी आप अपने कंप्यूटर को चेक करिए कि आपके कंप्यूटर में अभी कौन सा विंडो चल रहा है। ठीक है, विंडोज़ अगर आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडो चल रहा है, तो उसको देख लीजिए आप कैसे चेक करोगे। सो सिंपली आपके कंप्यूटर के अंदर देखिएगा दिस पीसी नाम का या फिर माई कंप्यूटर नाम का एक एप्लीकेशन होगा। ठीक है, आपको इस पर राइट क्लिक कर लेना है और यहाँ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए विंडो स्पेसिफिकेशंस आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें देखिए लिखा है ना एडिशन विंडोज 10 प्रो, तो देखिए मेरे पास विंडोज 10 है। तो आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका विंडोज 7 है तो देखिए कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए 7 में, और यहाँ पर लिखा होगा विंडोज 7 अल्टीमेट या फिर प्रोफेशनल जो भी वर्जन का होगा एडिशन का, वो यहाँ लिखा होगा। ठीक है, विंडोज 7 में ऐसा ही लोगो आपको दिखाई देगा। अगर आपके पास विंडोज 8 होगी तो देखिए इस तरीके का विंडो 8 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और यहाँ लिखा होगा एडिशन में विंडो 8 प्रो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास विंडोज 8.1 होगी तो क्या लिखा हुआ आएगा जरा वो देखिए, यह कुछ इस तरीके से देखो आएगी स्क्रीन, और यहाँ लिखा होगा विंडोज 8.1, लेकिन यहाँ विंडो 8 ही लिखा होगा। ठीक है ना, समझ गए आप। और अगर विंडो 10 होगी तो मैंने अपने सिस्टम का आपको दिखाई दिया है, लेकिन जिसका सिस्टम विंडो 10 पुराना होगा, अपडेट नहीं होगा, तो उसके में कुछ इस तरीके का विंडो 10 के लिए भी ओपन होके आ जाएगा। यहाँ लिखा होगा विंडोज 10 और यहाँ पे विंडोज़ का एडिशन लिखा होगा। ठीक है, तो आप हमें अपना विंडोज़, आप कौन सा विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके सिस्टम में विंडोज़ होगा उस विंडो का नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। तो देखते हैं कि कौन, या फिर हमारी जो ऑडियंस है जो हमें देख रही है, वो कौन सी विंडोज़ अभी यूज़ कर रही है, क्या वह ऑडियंस अपडेटेड है या फिर अभी विंडोज 7 ही यूज़ कर रही है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।